ये खून नहीं है बेटा, डीन है ये जो गिर गई नीचे। दर्द तो नहीं हो रहा माँ? हाँ थोड़ा सा कम है, अच्छा जी। पैर में बारिश हाँ, ये देखो पैर में भी चोट लग गई थी मम्मी के, बहुत सारी लग गई। हमने बाहर से मंगाई है, विदेश से पट्टी मंगाई है, बहुत महंगी। अच्छा इम्पोर्टेड पट्टी, क्या कहते हैं इसे, पेपर पट्टी? नहीं कहते हैं इम्पोर्टेड पट्टी, ओ पट्टी। दोस्तों कैसे हो आप सब, और हम तो बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज कुछ सीन हो गया, आज मम्मी देखो लेटी हुई है, मम्मी गिर गई आज बाइक पे से, मम्मी की चोट लग गई, देखो हाथ में पट्टी बंधी हुई है, पैर में भी लग गई थोड़ी सी, तो बेचारी मम्मी तो लेटी हुई है आज। और नाश्ता आज बनाया है हमारे रोहन भाई ने। ये गाइस, आज तुम्हारे भाई ने नाश्ता बनाया एकदम मस्त करके, चाय बना भाई रोहन ने एकदम बढ़िया चाय बनाई है अदरक मार के। ये देखो ये रही चाय रोहन भाई ने, हाँ अब हम बताएंगे रोहन भाई की चाय कैसी है। मैंने दूसरी या तीसरी बार ट्राई करी है। ओ भाई क्या चाय बनाई है जबरदस्त, इसमें अदरक तुलसी लौंग इलायची सब डाल दी और बढ़िया चाय। क्या था अदरक तुलसी? तू ही बता दे क्या मिला है चाय में। लौंग इलायची और तुलसी के पत्ते। अच्छा जी, ये सब मिलाने से बढ़िया बन गई चाय। और मैं लाया हूँ भी बटर, और मैंने ब्रेड पे लगाया है, ब्रेडों को टोस्टर में सेक के, और कुछ है फैन, ये खाएंगे मजा आएगा। और चाय में डुबा डुबा के टोस्टर वो रखा। तो मम्मी तुम्हारे कैसे लग गई चोट? मैं सुबह आम लेने गई थी। आम लेने गई थी? अच्छा ऐसे घूमने गए थे और फिर आ रहे थे, तो मैं ना बाइक पे जैसे ही बैठी आम लेके, तो मैं एकदम ना फिसल गई बाइक से और ना मैं गिर गई। अच्छा ऋषभ चला रहा था ना बाइक? ऋषभ चला रहा था। ये चला रहा था, देखो ऋषभ बाइक, इसको चलानी मिलानी आती नहीं है, बाइक चलाता रहता है। देखो हाथ में लग गई चोट, यहाँ पे पैर में, बहुत सारी जगह पे लग गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। तो गाइस सब भगवान से दुआ करना मम्मी की जल्दी से चोट ठीक हो जाए। दोस्तों नाश्ता तो मैंने कर लिया है और अभी मैं आ गया हूँ नीचे अपनी शॉप पे, और अभी मेरे को कुछ काम करना है, पहले उस काम को ख़त्म करूँगा और फिर थोड़े गाने सुनेंगे। और क्या कहते हैं अभी 10:30 बज रहे हैं, कम से कम 1 बजे के आसपास हम जाएंगे ऊपर। तो अभी हमने गेट तो क्लोज कर दिया है, जा रहा हूँ ऊपर खाना खाने, और ये है गुन्नू। और कैसे हो गाइस? हेलो, ये है भाई गुन्नू, ये है मेरा भतीजा, चलो ऊपर, मैं हूँ इसका चच्चा। और अभी हम ऊपर आ चुके हैं, और ये है चुन्नू, छोटा सा चुन्नू, ये बाहर जाता कैमरे को देख के। और ये हमारे पवन भाई, और पवन भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो? खा लो। और ये ऋषभ क्या कर रहा है भाई? तू भी खाना खा रहा है? ढोला दिखाई बस, मद्दू का मार के जाता। और ये देखो मरम पट्टी चल रही है मम्मी के हाथ पे, रोहन जी कर रहे हैं पट्टी। क्या लगा रहा है भाई? बिटाडिन। ये खून नहीं है बेटा, डीन है ये जो गिर गई नीचे। दर्द तो नहीं हो रहा माँ? हाँ थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पैर में बारिश, हाँ ये देखो पैर में भी चोट लग गई थी मम्मी के, बहुत सारी लग गई। हमने बाहर से मंगाई है, विदेश से पट्टी मंगाई है, बहुत महंगी। अच्छा इम्पोर्टेड पट्टी, क्या कहते हैं इसे, पेपर पट्टी? नहीं कहते हैं पट्टी। तो हमारी भाभी, खाने में क्या बनाया भाभी? घिया है। घिया? अच्छा सूखे वाला घिया। भाई आज मम्मी तो हमारी हो चुकी है थोड़ी फेल, चोट लग गई, तो इसलिए आज भाभी आई हैं खाना बनाने। देखो कितनी बढ़िया भाभी हैं, बढ़िया ऐसे देखो, बढ़िया नहीं है, रोटी भी नहीं दे रही थी। चुन्नू लाल है इसका नाम, चुन्नू लाल, और यह है गुन्नू लाल। इतनी बढ़िया भाभी रोटी नहीं दे रही। खाना मिल चुका है मुझे, क्या था ये मैं भूल गया, घिया। घिया तो हम घिया खाएंगे। दोस्तों अब कट गया आम, ये है बहुत बड़ा आम, इसे कहते हैं लंगड़ा आम। खाएगा लंगड़ा आम हो जाएगा तगड़ा काम। खाओगे लंगड़ा आम तो हो जाएगा तगड़ा काम, ठीक है? तू खाएगा लंगड़ा आम? हाँ ठीक है।
तो रोहन जी काट रहे हैं हमारे, रोहन है हमारे मैंगो मास्टर। मैंगो मास्टर आए नहीं बोलना बेचारे को, मैंगो मास्टर है, मैंगो मास्टर। तो कमेंट्स में जरूर बताना किस किस को मैंगो पसंद है। यम्मी टेस्टी। बड़ा टेस्टी आम यार लंगड़ा आम, एकदम मीठा। क्या होता आम खाते खाते कैसे हाथ धोए? जल्दी पकड़। ये देखो गाइस, लंगड़े आम की लंगड़ी कुटली। गाइस तुम मेरे को नहीं जानते, तुम मेरे से रुमाल काहे को मांग रहे हो? गाइस ये खा लो, देखो ये बिकल जाता है, इसको आम निकला भाई, मेडिसिन नहीं देते। आनंद आनंद आ गया आम खा के भाई, चक्कर हम भी खा गया। आनंद आ गया, आनंद आ गया, मतलब आम ही था भाई। खत्म हो गए गाइस, मान गए भाई, ओके गाइस बाय, आम खत्म। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे और दुकान पे बैठ गया हूँ दोबारा से। ऋषभ तो आज बैठा नहीं, आज मैं ही बैठा हूँ घर पर भी। और ये मेरा पड़ोसी है, ये है अनुराग, ये भी सब्सक्राइबर है। दोनों ने लगा दिया है गाना, कौन सा गाना लगाया है? पसूरी। अच्छा गाना है ये, कोक स्टूडियो का पसूरी। किस किस ने सुना है कमेंट में जरूर बताना। मैं सो गया था दोपहर को। अच्छा जी। और फिर मैं उठा सो के, सब उठ चुके हैं। ये देखो वंशु भी आ चुका है, भाभी भी आ चुकी है, मम्मी बैठी है, और ये देखो नंगा सारा काम इन देखा ने। तो आज इन्होंने घर की कर दिया भाई सफाई। ये देखो पीछे देखो किचन देखो एकदम चमचमा रहा है ना भाई, मानना पड़ेगा। भाभी मान गए, बस भाभी ने कर दिया। ऋषभ को भी मान गए, ऋषभ ने भी कर दिया। और हम यहाँ पे चाय और फैन सब भाभी ने करी है। ऋषभ भाभी ने भी करी है, ये मेरी भाभी है, भाभी। और ये देखो चाय और फैन चल रहे हैं अभी मस्त, एकदम बेकरी से फैन आए हैं और शाम की चाय पी रहे हम। तो अभी मैं भी चाय फैन खा रहा हूँ, पवन भाई को, पवन भाई भी चाय लेते हुए। भाई फैन वैन खाओ, चाय वैन बड़े खा रहा हूँ मैं आजकल भैया, अपनी खाओ यार, मैदा बन जाएगा। मस्त अपना चाय पी रहा हूँ भाई, स्वादिष्ट फैन खा रहा हूँ, मजा आ जाता है चाय फैन के साथ ना, मजा आ जाता है। हाँ भाई खाओ, सही है। चाय पी ली थी पर लेकिन फिर खुशी आ गई, ये ऊपर नहाने गई हुई थी और फिर खुशी की मम्मी भी आ गई, देखो इधर बैठी है, और एक छोटा बच्चा, उसने भी नहीं पी थी चाय, तो इन सबके लिए चाय मैं बना रहा हूँ। ये देखो ये बन रही चाय, ठंड वाली बातें याद आ गई, ठंड में बनाता था ना मैं रोज़ चाय। तो दोस्तों उन सब ने इतना काम किया ना आज, घर की सफाई करी सब ने मिल के, तो मैंने सोचा कि इनके लिए गोलगप्पे ले लेता हूँ, और मैंने ले लिए गोलगप्पे बहुत सारे, और मनीष आया मेरे साथ गोलगप्पे लेने, और भाई बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। मेरा प्रमोशन कर, भाई को लाइक करो, फॉलो करो। ये अपने भाई मिले हैं देखो, बस भाई खाओ खाओ, भाई का जन्मदिन है, बोलने सस्ते में पार्टी, भाई को सब हैप्पी बर्थडे टू यू कहना कमेंट्स में। अब मैं आ चुका हूँ घर पे, मेरी गोलगप्पा लवर, गोलगप्पा लवर कोई अक्सर आता जब रुकना पड़ जाता है। तैयार हो? तैयारी, ये हमारे गोलगप्पे हैं, हमारे गोलगप्पों की तैयारी हो चुकी है। देखो गोलगप्पों का पानी हरा हरा, काई वाला पानी, और ये गोलगप्पे की लाल वाली चटनी, और ये इसके आलू, और ये आलू, और ये गोलगप्पे इनसे भी मिल रहा है, और ये देखो रूखा ही गोलगप्पा खा रहा है, कुछ मिला तो लेता है इसमें बेटा। ये भाभी हैं और खुशी हैं, ये दोनों गोलगप्पे तैयार कर रही है हम सबके लिए, जिससे हम सब खाएं। और ये हमने वही वाली कटोरिया निकाल ली है गोलगप्पे के लिए बनी, सिर्फ ये इतनी छोटी है ना ये कटोरिया, देखो कितनी सी है, इसमें गोलगप्पा ही खा सकते हैं सिर्फ। ये बढ़िया चीज़ है देखो, गोलगप्पों में पानी भरने के लिए, इससे पानी भरते रहो और अपना उठा के खाते रहो। खा लो भाई सिपाहियों, खा लो सब, खा लो। हमको गोलगप्पा बहुत पसंद हुआ करता था, तो
हम खा जाते थे 4-5 गोलगप्पे हमेशा, पर एक दिन मैंने खा लिए 11 गोलगप्पे, और उस दिन से मेरा ऐसा मन भर गया कि जब से मैंने गोलगप्पे खाने छोड़ दिए, मन ही नहीं करता अभी ये सामने रखे, मन नहीं कर रहा खाने का, मतलब क्या करें, खाना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि पेट भर जाएगा, कितना हैवी है, बस खाए नहीं जाता। ये लड़कियों के लिए होता है, सही कह रहे हैं मम्मी, है ना मम्मी, सही बात है, लड़कों को शोभा नहीं देते गोलगप्पे। मुझे पसंद है दही बल्ले, दही बल्ले होते ना अभी खाया था, पूरी प्लेट भर गई। लड़कों को भी खाने चाहिए कभी कभार, लड़कों को भी खाने चाहिए कभी कभार, खाने चाहिए। तुम खाते रहे हो, तुम हमारी लड़की खाओ, तुम खा रहे हो, ये वंशु और ऋषभ, ये दो लड़के ये भी खाएंगे, आओगे खा ही रहे, ये भी खा रहा है देखो लड़का गोल के गप्पे। मम्मी तुम तो खा लो। अच्छा मम्मी का चोट लग रही है, मम्मी ने खाई थी गोलगप्पे, और मम्मी ने एक बार गोलगप्पे खाए थे तो मम्मी बीमार पड़ गई थी, जब से मम्मी को वहम हो गया, जब से खाती रही है ना मम्मी, यही बात है ना, ये बात तो है, सही बात है, जब से डर लगता है मेरे को, ऐसा हो जाता है डर। गोलगप्पे निपटा दिए इन्होंने सारे बड़ी फास्ट। मम्मी मजा आ गया गोलगप्पे खा के? तुमने खाए नहीं? ऐसा मैं खाऊंगी अभी, अच्छा तो मुझे जरूर चखना है। खुशी मजा आ रहा है? हाँ ऐसे बोलते हैं, वो देखो, देखो कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है, तोड़ तोड़ के बेचारे के मुंह में तो आएगा नहीं ना, छोटा मुंह ना, भीगो भीगो के खा ले। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सही है, इसमें भी सही है, पानी पी लो, पानी पियो, टेस्टी होता है। मैं भी पानी पीऊंगा थोड़ा सा डोल डप्पे का, पर थोड़ी देर में पीऊंगा, मैंने अभी चाय पी है ना। अब खा ली, खुशी की मम्मी है, खुशी है, और मेरी मम्मी वो रही बाहर काम कर रही है, कपड़े वपड़े पता नहीं क्या कर रही है, मशीन में कुछ कर रही है। मजा आ गया गोलगप्पे खा के? नहीं आया, क्यों? इस वाले के ज़्यादा अच्छे नहीं लगे है ना। छोटे छोटे बच्चे जा चुके हैं और घर में हो चुकी है बहुत सारी शांति। गाइस कल रात को तो मैं सो गया था, तो मतलब मैंने रात को डिनर भी नहीं किया, मैं ऊपर गया लेटा और सो गया और नींद आ गई, तो फिर सो गया तो व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया। सो व्लॉग को एंड करते हैं गाइस, और कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट्स में बताना। थैंक यू।